यह वर्ष चुनावी है। सरकार चाहती है कि जो 5 साल सत्ता में रहने का सुख मिला है वो आगे भी बना रहे। कोशिशें 4 साल के बाद आए बजट में दिखाई भी दी। अब सरकार की कोशिश है कि जो वादे, जो इरादे, जो मनसा राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाई है वो जब चुनावी वर्ष में धरातल पर मतदाताओं के बीच हो तो पूरी होती हुई दिखाई दे। मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। तो आइए बात करते हैं राजस्थान बजट की सबसे अहम खबर की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई, आपसे इसलिए क्योंकि जो लाभ देने की बात की गई आम मतदाता तक, हर राजस्थानी तक, जो वादे राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए हैं वो धरातल पर उतरने शुरू हो गए। बजट को आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं लेकिन इन घंटों में कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज बैठक लेकर कहा है कि उन तमाम घोषणाओं को धरातल पर उतारें जिनमें संभावना तुरंत प्रभाव से लागू करने की। 3-स्तरीय फॉर्मूला बनाया गया है। इन 3 स्तर में पहली वो योजनाएं हैं जो बिना किसी वित्तीय या संस्थागत अनुमति के लागू हो सकती है, उन्हें तय समय सीमा में धरातल पर उतारने की कोशिश। दूसरे फॉर्मूला में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग से जिन्हें मंजूरी मिलनी है उनकी फाइल की रफ्तार बढ़ाने की बात की गई है। कहा गया है कि तमाम बजट घोषणाओं को जो इस दायरे में आ रही हैं फाइलों पर उतारा जाए। तीसरी, जिनमें धनराशि अधिक लगनी है, वित्तीय संसाधन लगने हैं, केंद्र सरकार का भी जिनमें पुट है, उनको भी धरातल पर उतारने के लिए सभी विभाग समन्वित होकर प्रयास करें ताकि जो बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में कही है जब चुनावी सीजन में जनता के बीच हो तो दावे के साथ कह सकें कि ये हमने कर दिखाया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 साल की बात करें तो ज्यादातर ऐसी घोषणाएं हैं, दावे किए जा रहे हैं कि 80% घोषणाएं लागू कर दी गई हैं। बजट घोषणाओं के इतर जब चुनावी सीजन की बात हो रही है तो कांग्रेस के चुनाव से पहले जारी किए गए जन घोषणा पत्र को याद करना इस समय लाजमी होगा। उस घोषणा पत्र के 100% वादे इन वर्षों में पूरे किए जाएं, इसके प्रयास कांग्रेस सत्ता और संगठन की ओर से हुए हैं और इन्हें ही भुनाने की कोशिश है। आगे जब नए चुनावी वर्ष में जब नए तरीके से जन घोषणा पत्र बनेगा, यानी कि चुनावी वर्ष में जो इरादे कांग्रेस के होंगे तो उनमें बताया जाएगा कि ये जो पिछले वादे किए गए थे पूरे किए गए हैं, ऐसे में सरकारी मशीनरी यानी ब्यूरोक्रेसी जो सबसे अहम है उसे सक्रिय मोड में लाया गया है। सभी जिलों के कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि बकाया कुछ ना रहे, ऐसे में मतदाता को मैसेज देने की तैयारी में है। लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं, भाजपा की भी कोशिश है कि वो सरकार के उन तमाम कामों को जनता के सामने लेकर आए कि ये काम कहे गए थे नहीं हुए। बस इसी खौफ से कहें, डर से कहें या चुनाव में जाने की जद्दोजहद में कहें, सरकार की कोशिश है कि वो सभी वादे पूरे कर दिए जाएं जो जनता के लिए उनकी ओर से किए गए थे। तो आप देखते रहिए राजस्थान चौक और आपको सियासी खबरों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की तमाम हलचल हम बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना।